ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਿਕੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਰਗ ਹੈ ਮਾਲਿਕੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੈ क्यों ऊंचे क्योंकि वो पूरे देश के मालिकों का पेट भर उनके बगैर सारे मालिक भूखे मर जाएंगे तो इसलिए किसानों की इज्जत मालिकों में भी ज्यादा कि ये सरकारें जो है प्राइम मिनिस्टर हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चीफ मिनिस्टर हो मंत्री हो आईएएस ऑफिसर हो कैबिनेट मिनिस्टर हो चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी हो ये सब आपके हमारे देश की जनता के नौकर देश की जनता के नौकर ये मैं आपको संवैधानिक और कानूनी बात बता ये नौकरों को आप लोग और हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो जो आपका पैसा है बजट जो लगता है वो आपका मेरा देश के मालिकों का पैसा है कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री इतने पैसे नहीं कमा सकता कि एक किसान का भी 5 किलो अनाज पहुंचा सके एक महीने में तो ये पैसा भी आपका और हमारा है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ किसानों का क्योंकि किसानों ने हमें एक्चुअल में आंदोलन करना सिखाया है हक के लिए लड़ना सिखाया है 13 महीने दिल्ली की बरुओं पे क्वार्टर्स पे बैठना और सरकार पर घुटने टिकाना ये हमने इन्हीं से सीखा है अगर हम नहीं आते वहाँ पे तो शायद हम आंदोलन करना और संघर्ष करना नहीं सीखते और आज जैसे कि प्राचा साहब ने बताया कि आज मुझे 5 महीने हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आंदोलन लगाए हुए और आप लोग जो जो भी कवर करने आते हो आपने देखा कि पुलिस का क्या हाल हमने किया है क्योंकि हम लोगों को ये चीज बड़ी अच्छे से समझ आ गई कि हम तो वहम में थे हम लोगों ने तो चीजें सीखी नहीं पड़ी नहीं हम लोग तो देश के राजा देश के शासक हम है और वो लोग तो हमारे सेवादार हैं हम लोगों को हमें हमारी सेवा करने के लिए बिठाया हुआ है और हम लोग उन्हीं से डर रहे हैं वो खाकी का रोग हमें दिखाते आगे लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि इस देश का कानून जो है वो सुधारात्मक है दंडात्मक नहीं है और पुलिस हमारे बचाव के लिए प्रोटेक्शन के लिए पर यहाँ पे भी जो पुलिस कर रही है और जो पुलिस ने पहले भी किया पुलिस खुद एक अपराधी का रोल प्ले कर रही है ये चीज हमें समझ में आ गई देश के हर एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हो अगर ये जमीने अडानी अंबानी ने छीन ली तो आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ जो अनाज हम 1 रुपए का खरीदते हैं वो हमें आने वाले 2-3 साल में 100 गुना ज्यादा रेट पे खरीदना पड़ेगा तो पूरा देश इस बात को जानता है पूरा देश आपका गोली खाकर लाठी खाकर हम सब लोगों को सस्ता अनाज दिलवाने के लिए सस्ता खाना दिलवाने के लिए आपका रेडी है हमारे पास शब्द नहीं है जो किसानों का धन्यवाद कर सकते हम कहना चाहते हैं मोदी जी अभी भी समझ लेना चाहिए ये देश की लड़ाई है किसान मजदूर की अकेले की लड़ाई नहीं एमएसपी हरेक का अधिकार है अगर एमएसपी होगी एमआरपी होगी एमआरपी होगी तो खपतकार को अनाज जो सस्ता मिलेगा उसकी थाली में अनाज रहेगा आप ये थाली अडानी अंबानी के गोदाम में रखवाना चाहते हैं और हमें पूरे 140 करोड़ भारतीयों को ये एहसास करा रहे हैं कि आप 2 टाइम की रोटी को वकास समझ के जिए ऐसे दिन आप लाने वाले हैं आज साडे कोले भारत दे विच जो सब तो सीनियर अदालत है सुप्रीम कोर्ट उतों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील साहब महमूद प्राचा जी जिन्हां नूं सारे जानते ने इन्हां ने बहुत वड्डी लड़ाई सरकार दे नाल ईवीएम दे मुद्दे ते चलाई हुई आ नाल डॉक्टर रितू जी ने इधर किसान आगू साहिबान सौरा साहब बैठे ने इधर वकील साहब बैठे ने सारे आए ने असीं इन्हां नूं मोर्चे वल्लों किसान आगूआं वल्लों जीऊ आया कहिंदे आ जिथे साडी सरकार दे नाल बल दे नाल लड़ाई आ हक्की मंगां नूं लै के उत्थे असीं जिहड़ा कानूनी तौर ते भी लड़ाई लड़ रहे आ बाकी जो रणनीति आ इस मोर्चे नूं किवें जितना कानून दे राही किस तरह अगे लैके जाना ਉਹ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
और मैं आपको कुछ छोटे लफ्जों में कानूनी पोजीशन भी बताना चाहता हूं कि किसानों का ये आंदोलन कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से कहां खड़ा है। ये देश की जनता देश की मालिक है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है। एक एक नागरिक इस देश का बराबर का मालिक है। किसान मालिकों में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं मालिकों में भी जो मालिकों में भी ऊंचे हैं थोड़े। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि वो पूरे देश का पूरे देश के मालिकों का पेट पालते हैं, उनके बगैर सारे मालिक भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए किसानों की इज्जत मालिकों में भी ज्यादा। तो एक तो बात ये आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकारें जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, आईएएस ऑफिसर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी हो, ये सब आपके हमारे देश की जनता के नौकर हैं, देश की जनता के नौकर हैं। ये मैं आपको संवैधानिक और कानूनी बात बता रहा हूँ। ये नौकरों को आप लोग और हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो जो आपका पैसा है बजट में जो लगता है वो आपका मेरा देश के मालिकों का पैसा है। कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री इतने पैसे नहीं कमा सकता कि एक किसान का भी 5 किलो अनाज पहुंचा सके एक महीने में। तो ये पैसा भी आपका और हमारा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देश के सारे नागरिक अपने अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। देश का एक एक नागरिक, कुछ लोगों को छोड़ के जो आरएसएस और बीजेपी के और उनके सहयोगी हैं और अडानी अंबानी जैसे चोर हैं, वो चाइना के साथ मिलकर। अब किसान लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं ये भी समझना महत्वपूर्ण है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान देश के हरेक नागरिक की अन्न सुरक्षा की, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि चाइना और जो ये विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर साजिश की है कि देश के किसानों की जगह जैसे चाइना, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका में चाइना जो है ज़मीनें खरीद रहा है वहाँ के धन्नाट सेठों के साथ मिलकर, उसी तरीके से चाइना के लोग इंडिया की किसानों से ज़मीन छीनना चाहते हैं। तो आप लोग देश के हर एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हो। अगर ये ज़मीनें अडानी अंबानी ने छीन ली तो आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जो अनाज हम 1 रुपये का खरीदते हैं वो हमें आने वाले 2-3 साल में 100 गुना ज़्यादा रेट्स पे खरीदना पड़ेगा। तो पूरा देश इस बात को जानता है और पूरा देश आपका गोली खाकर, लाठी खाकर हम सब लोगों को सस्ता अनाज दिलवाने के लिए, सस्ता खाना दिलवाने के लिए आपका रेडी है। हमारे पास शब्द नहीं है जो किसानों का धन्यवाद कर सके। अब मैं इन चोरों की बात करता हूँ जो बेईमान नौकर प्रधानमंत्री और दूसरे पदों पर बैठ गए। वो चाइना और अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश की किसानों को और देश की जनता को खोखला करके, जैसे 4000 किलोमीटर जगह चाइना ने छिनवा दी ना, ये काम देश के अंदर भी करना चाहते हैं। तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक ये वकील थे जो हमारे प्रेसिडेंट हमने जिन्हें जिताया था, उन्होंने किसानों के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी। सैकड़ों वकीलों ने, और मैं आपको बता रहा हूँ, सैकड़ों वकीलों ने मिलकर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया कि उनको प्रधानी से हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रधानी से हटा देंगे और जल्दी हम उनको हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने जुर्रत की किसानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की। किसानों के खिलाफ जो भी एक भी शब्द बोलता है वो देश का गद्दार है। ये भी मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, देश का और संविधान का गद्दार है, देश के लोकतंत्र का गद्दार है जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है। ये भी आप बात समझ लें। तीसरी बात यह, ये जो पुलिस के जरिए, पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं जो कि बाध्य हैं अपने भ्रष्ट अधिकारी जो उनके सर पे बैठे हैं उनके आदेश मानने के लिए, तो मैं उनको भी कानूनी सलाह देने आया हूँ कि ये बात वो अच्छे से समझ लें। किसानों के ऊपर चलाया हुआ एक एक आंसू गैस का गोला, चाहे वो एक्सपायर्ड हो या नहीं हो, एक्सपायर्ड वाला तो डायरेक्ट अपराध है, आतंकवाद की घटना है, आतंकवादी अपराध किया है आप लोगों के साथ ये पुलिस की वर्दी में या आरएसएस के गुंडों ने जो ये एक्सपायर्ड घत गोले चलाए हैं आपके ऊपर आंसू गैस के। गोली चलाना भी
आतंकवाद का, यूएपीए का अपराध है, क्योंकि आप लोग संवैधानिक रूप से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कानूनी तौर से। और मैं ये जो जूनियर अधिकारी हैं जो गोली चलाने पे बाध्य हैं आधे मन से भी, बहुत सारे लोग आपके ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते पुलिस वाले, तो उनको मैं कानूनी सलाह दे रहा हूँ, आपके सुपीरियर ऑफिसर्स, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपसे अपराध करा रहे हैं, आप इनकी बात गैर कानूनी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हो। आप अपराध करोगे अगर अपने सीनियर अधिकारियों की बात मान के किसानों के ऊपर आंसू गैस, गोली, लाठी या कोई भी हथियार चलाओगे, किसी भी प्रकार के तरह तरह के पैलेट गन्स और स्टन गन्स क्या क्या चला रहे हैं आपके ऊपर, जो हम लोगों ने अपना पेट काट के पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपनी सेना को दिया था, वो आप लोगों के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अपराध है, आप देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ये काम को, तो आप अपने अपने पर्सनल वकीलों से सलाह ले लो और काम वही करो जो आपके वकील बताएं आपको। अधिकारी अगर आपको कोई अपराध करने के लिए कहता है और आप अपराध कर रहे हो जो, तो उससे आपको सज़ा मिलेगी, आप जेल जाओगे, 100% जेल जाओगे, आप कानूनी रूप से बच नहीं पाओगे। पुलिस की वर्दी पहन कर भी अगर कोई अपराध करता है तो वो जेल ही जाता है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अपने अपने पर्सनल घर के वकीलों से सलाह लेके अब की बार कोई भी किसानों के खिलाफ एक्शन ले। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, देश का बेरोजगार, ये डॉक्टर रितु हमारे साथ है, इस देश में इस वक्त बड़े बड़े 3-4 आंदोलन चल रहे हैं। पहला आंदोलन किसानों का चल रहा है, दूसरा आंदोलन बेरोजगारों का, यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचर देश में बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, डॉक्टर रितु उसकी लीडरशिप कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और देश भर में, आशुतोष उसकी लीडरशिप कर रहे हैं देश भर में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बेरोजगार किसान, उसके बाद वकील ही नहीं, देश की सारी जनता मिलके ईवीएम का विरोध कर रही है, क्योंकि ये सरकार किसानों से नहीं डर रही, ये सरकार जवानों से नहीं डर रही, ये सरकार बेरोजगारों से नहीं डर रही, ये सरकार आदिवासियों से नहीं डर रही, SC ST OBC गरीबों से नहीं डर रही, क्योंकि इनको इनके किसी के वोट नहीं चाहिए। तो एक बड़ा इशू ये है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है, तो और इसके लिए हम लोग आए हैं कि ये सारे लोग आपस में अगर अपनी शक्ति जोड़ लेंगे तो इनको चोरों को मक्कारों को भागना पड़ेगा। एक ये भी निवेदन लेके हम आए हैं कि हम सब लोग मिलके आदिवासी, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, गरीब, महिलाएं, ये सब लोग मिलके आंदोलन चलाएं। ईवीएम ही अगर हट गई तो इनकी 40 सीटें नहीं आ रही, और अगली बार जो सरकार आएगी वो मालिकों से यानी कि किसानों से और दूसरे नागरिकों से डरेगी, और वो काम करेगी जो आप कहोगे। आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि दिल्ली की जनता आपके लिए अपनी पलके बिछाए बैठी है। अगर कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है तो वो दिल्ली की जनता को, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी और यूपी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी बॉर्डर्स पे, अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं तो जगह जगह बॉर्डर्स पे आप लोगों के मालिकों के डर से जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, तो उससे हमें परेशानी है। किसानों के लिए तो हम, एक बार आप हमें मौका दे रहे हैं हम आपका पेट कुछ दिन का खाना खिला सकें, ये मौका हमारे पास बार बार कब आएगा? दिल्ली की जनता आपका बाहें फैला के, आपका पलके बिछा के इंतज़ार कर रही है, तो किसी की उसमें बात में मत आना आप। और इसीलिए हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं, हम कानूनी मदद देने के लिए भी आपको पूरी तरीके से तैयार हैं। एक एक व्यक्ति के जो गोली लगी है, एक एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, उसको ना सिर्फ कंपनसेशन दिलाई जाएगी, बल्कि खट्टर साहब को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी तक को और यहाँ के जितने भी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सज़ा दिला के जेल में भेजने का काम हम वकीलों का है, हम वो भी वादा आपसे करने आए हैं। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अदालतों में भी और सड़कों पे भी पूरी वकील कम्युनिटी खड़ी है, क्योंकि हम भी आपके एक तरीके से उतने ही एहसानमंद, अपने आप को हम आपके उतना ही एहसान मानते हैं जितना बाकी देश की जनता, क्योंकि हम भी आपका ही उगाया हुआ अनाज खाते हैं। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ किसानों का, क्योंकि किसानों ने हमें एक्चुअल में आंदोलन करना सिखाया है, हक के लिए लड़ना सिखाया है। 13 महीने दिल्ली की बरूओं पे, बॉर्डर्स पे बैठना और सरकार को घुटने टिकाना, ये हमने इन्हीं से सीखा है।
अगर हम नहीं आते वहाँ पे तो शायद हम आंदोलन करना और संघर्ष करना नहीं सीखते। और आज जैसे कि प्राचा साहब ने बताया कि आज मुझे 5 महीने हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आंदोलन लगाए हुए, और आप लोग जो जो भी कवर करने आते हो आपने देखा कि पुलिस का क्या हाल हमने किया है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ बड़ी अच्छे से समझ आ गई कि हम तो वहम में थे, हम लोगों ने तो चीज़ें सीखी नहीं, पढ़ी नहीं। हम लोग तो देश के राजा हैं, देश के शासक हम हैं, और वो लोग तो हमारे सेवादार हैं, उन लोगों को तो हमें हमारी सेवा करने के लिए बिठाया हुआ है, और हम लोग उन्हीं से डर रहे हैं। वो खाकी का रोब हमें दिखाते आके, लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि इस देश का कानून जो है वो सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है, और पुलिस हमारे बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे भी जो पुलिस कर रही है और जो पुलिस ने पहले भी किया, पुलिस खुद एक अपराधी का रोल प्ले कर रही है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और मैं एक यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेशन कह लो, ये साथी आशुतोष एक स्टूडेंट लीडर है, हम ये बताने के लिए आए हैं कि जब भी रेवोल्यूशन आया वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से आया है। अगर विद्रोह कहीं से शुरू हुआ तो वो जो यूथ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से, उन्होंने समझा, उन्होंने देखा कि कौन से विचारधारा हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही काम कर रहा है, कौन हमारे लिए गलत काम कर रहा है, और कौन सरकार है जिसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई, कौन सी सरकार है जिसके कार्यकाल में 2 लाख 2.5 लाख बच्चियां इस देश से गायब होगी। हम जैसे यूथ ने समझा कि 15 लाख का दिखावा करते हुए कहाँ है, हम जैसे यूथ ने समझा, बेटियों ने समझा, पहलवान बेटियों को देखते हुए लगा कि जो देश का मान सम्मान शान है वो पहलवान बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही, और एक जगह ठहाके बज रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हो काला धन वापिस आएगा, देश की GDP इकोनॉमी सब खड्डे में चलेगी, और अभी तक हम इल्यूजन में है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी। हमें, मुझे लग रहा है किसानों का संघर्ष देखते हुए, जो पीड़ित लोग हैं उन सबको देखते हुए ये चीज़ लग रही है कि अब हमें ना मांगना नहीं है, वी डोंट हैव टू डिमांड, वी नीड टू क्लेम। और अब हमें क्लेम कैसे करना है, जितने भी, बड़ी अच्छी बात मार्क्स ने समझी थी, मैंने पढ़ी थी, कि जितने भी उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूर हैं ना वो सब एक हो जाओ अगर पूंजीवाद से छुटकारा चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रशिया का मजदूर, ये इंडिया का, ये यहाँ का, नहीं, मजदूर एक जाति है, मजदूर एक कम्युनिटी है, मजदूर को एक होना पड़ेगा। अभी वक्त आ चुका है कि जितने भी प्रताड़ित, शोषित, दबे कुचले लोग हैं जो हक मांग रहे हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा इस बेईमान सरकार से छुटकारा पाने के लिए और जीतने के लिए। और उसी आस को लेके हम दिल्ली से, मैं हूँ पंजाब से लेकिन दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मैं होल हार्टेडली पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पूरे विश्वविद्यालयों से वेलकम करने आई हूँ किसानों का, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम वो गद्दार होंगे लोग जो वेलकम नहीं कर रहे होंगे किसानों का, वो लोग गद्दार आपको दिख जाएंगे जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, उनकी जो जाति प्रजाति है ना वो एक जैसी होगी, वो नस्ल एक जैसी होगी, वो आतंकी जो जातंकी RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और भाजपा वाले, वो आपको अलग ही दिखेंगे, जो जो इनके लिए बुरा बोलेंगे, जो इनको आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि हक मांगने वाला तो कभी नक्सली है भाई, कभी खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी है। हम इनकी स्ट्रैटेजी समझ गए ना, ही तो हमें डिवाइड होना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड होंगे वो हमें डाइवर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। ये अंग्रेजों ने किया था, यही हिटलर ने किया था, इसको हमें हराना है, और हराने का मात्र एक ही विकल्प है अगर हम सब एक हो जाते हैं। और अब वो टाइम आ चुका है कि अगर 2024 में ये रिपीट होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचने का, हमारे पास कुछ नहीं रहना है उसके बाद। तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो बेरोजगारी से पीड़ित है, वो लोग जो भुखमरी से पीड़ित है, वो लोग, वो महिलाएं जिनका शोषण हो रहा है, पहलवान बच्चियां जिनका शोषण हुआ, हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उन सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और एक होने का यही है कि जितने छोटे छोटे आंदोलन है, जो पीड़ित है वो एक हो जाओ। इस सरकार को तो हम ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक लोग, जो आबादी है वो हमारी तरफ है, हम 92.5% होते हैं, जो एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिक प्राचा साहब ने भी आपको बताई कि जिसमें गरीब, पीड़ित, शोषित, SC ST OBC मिनोरिटीज, दबे कुचले तबके, ये 92% प्लस होते हैं मिलके, तो बचे कौन? वो इतने से, इतने परसेंट लोग जो दहशत फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, जो इंसान को इंसान से ऊपर नीचे मानते हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा अब। और मुझे लगता है पंजाब का तो इतिहास ही हमेशा रहा है दूसरों के लिए करना, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए करना, और गुरुओं का भी सिद्धांत यही है कि अपने से पहले दूसरों को रखना, दूसरों की बहन बेटियों की बचाने की रक्षा हमारे गुरुओं पीरों ने की है। तो दिस इज द टाइम, पंजाब ने पहल करी है, पूरे देश को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। और हम किसान आगू जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा यूथ, पूरा युवा, महिलाएं, पीड़ित शोषित लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, प्लीज लीड करो, क्योंकि आप रेवोल्यूशन ला सकते हो। आपके कंधे बनके हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आप शुरुआत करोगे हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही तो ये यूथ, युवा, इनके गोली बारूद
से डरता है, ना पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स किसी चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि अब इन निहत्ते गरीब लोगों ने ना इनसे डरना बंद कर दिया। अब हम लोग ना पर्चों से डरते हैं, ना डंडे से, ना गोली से, किस कोई भी चीज़ हमें डरा नहीं सकती। हम एक हैं और इस एकता का सबूत हमारे लीडर्स हैं, जैसा डिसाइड करेंगे वी आर विद देम, और हम चाहते हैं कि ये सब शोषित वर्ग एक होकर लड़ाई लड़े। शुक्रिया। अगर किसान आदेश करेंगे तो ये बाहर हैं, हम दिल्ली के अंदर रह के आंदोलन करेंगे उतना ही बड़ा जितना। बिल्कुल, हम वहाँ ये इनके आदेश, ये यहाँ से आएंगे, हम वहाँ से आएंगे, और बीच में क्या रहा, वो चोर गद्दार, वो इतने से लोग मुट्ठी भर भी नहीं, वो हम वहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे। अगर ये आदेश करेंगे यहाँ से, हम वहाँ से, क्योंकि मैं एंड में यही कहूँगी, इस सरकार पर विश्वास नहीं, ये आपको हर बारी जुमला देगी, ये आपको हर बारी कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बेटियों का रेप हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेटियों का शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और 3.5 लाख बच्ची इस भारत से गायब हुई उन्हीं के कार्यकाल में। ये सोचने वाली बात है, ये सवाल है, युवा बेरोजगार है, सवाल है, भुखमरी में हम छोटे छोटे देशों से हमारा नंबर टॉप में है, ये सवाल है। तो मैं ये चाहती हूँ अगर आगू हमारे आदेश करते हैं, जैसा भी करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज में जा जाके इनकलाब लाया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, हर एक इंसान जो इस थाली में दिया हुआ, अपनी थाली में दिया हुआ किसानों का खाता है, वो गद्दारी करेगा तो देशद्रोह वो होगा, आतंकवादी वो होगा, हम सब साथ हैं। साथी आशुतोष, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेतु, आपकी जो चलाई गई मुहिम है वो काफी लंबे समय से उसमें बैठी हुई है, अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है, कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सरकार बैकफुट पे है, यूनिवर्सिटी डरी हुई है। अभी आप देखो कि लास्ट टाइम इतना ज्यादा हम लोगों की संख्या थी, उनसे संभाले नहीं गए, तो उन्होंने हमारे लोगों को मेट्रो से निकलते डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में उतरते हैं तो पहला मेट्रो स्टेशन आता है विश्वविद्यालय। इन्होंने जिस दिन मेरा 6 तारीख का 6 फरवरी का बड़ा आंदोलन था, हजारों के हिसाब से दुनिया वहां पे आई, उस दिन इन्होंने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में मेट्रो ही नहीं रुकी, जीटीबी पे रुक रही थी या तो मेट्रो विधानसभा पे रुक रही थी। तो इतना डर है इनको, मैं आपको बता रही हूँ ना, एक महिला जो शोषित वर्ग की मार्जिनलाइज कम्युनिटी की संभाली नहीं जा रही, सोचो एक, क्योंकि मैं सच की बात कर रही हूँ, मैं हक की बात कर रही हूँ। और मैंने जैसे आपको कहा, इनके तमाम गोला बारूद धन दौलत पुलिस फोर्स अब डराने ना रही, अब हमने डरना बंद कर दिया। इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए 26 तारीख को आने वाली 4 दिन के बाद हमने बड़ा कॉल दिया है। मैं किसान आगुओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच हक की लड़ाई है। एक RSS के प्रिंसिपल ने जातिवाद के चलते हुए, और मेरी जो सक्रियता थी किसानी संघर्ष में और CNRC के आंदोलन में, जो एक मुखर आवाज अपने हक अधिकार के लिए बचाने के लिए, आप सब लोगों ने मुझे किसान आंदोलन पे देखा ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस चीज को एक RSS की प्रिंसिपल से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे निकाला गया फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके। 35 फर्जी बच्चे मेरे खिलाफ लगाए गए। जब प्राचा साहब ने केस किया और वो पता चला कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए तो है नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर उन बच्चों का डेटा ही नहीं है, तो मुझे बताओ मैं लड़ू ना अपने हक अधिकार के लिए? वो सामने चोरी कर रहा है, RSS BJP सामने चोरी करके आपको गोली मारी, हम बोले ना? तो इसीलिए 26 तारीख को हमने विशाल कॉल दिया है, और मैं उस चीज का इन्वाइट करने अपने किसानों को भी आई हूँ कि आपकी बच्ची वहां पे बैठ के लड़ रही है, पंजाब से हूँ, और आओ साथ दो कि अगर हमने यूनिवर्सिटीज की लड़ाई भी जीत ली तो मैं कहती हूँ कि ये भारत क्या आपके हाथ में है? भारत देश, अब भारत देश का युवा जो प्रताड़ित बेरोजगार है, जो टीचर जिनकी नौकरियां छीनी गई और RSS का कैडर भरा गया, सब आपको देख रहे हैं, सब आपके पीछे हैं। अगर आप आगे आएंगे तो हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं ये भी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बंदी सिंह हैं, जिनके लिए हमेशा हमने मुखरता से आवाज़ उठाई, शुक्रिया अदा करती हूँ इस आंदोलन का, किसानों का, कि इन्होंने उनकी मांग भी रखी, उनकी आवाज़ भी उठाई। और जो बंदी सिंहों में हमारे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी, उनके जो मुख्य मेन वकील हैं, वो आज आपके बीच में बैठे हैं, और 2018 की जब मीटिंग हुई थी, जब उनके ऊपर 73 केसेस थे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा पे, जब महमूद प्राचा जी के पास वो केस आया तो आज उनके ऊपर सिर्फ 3 केसेस आ गए, उनमें से भी दो हैं जो मेन है, एक तो ऐसे ही है, तो 70 केसेस प्राचा साहब ने उनके हटाए। तो ये चीज़ है, और हम बंदी सिंहों की भी लड़ाई उसी पुरजोर तरीके से आवाज़ लड़ेंगे हर मजलूम की। और किसानों के आंदोलन की खूबसूरती यही है कि किसान मजदूर का नारा ही नहीं करके दिखाया, मजदूरों को भी, लैंड लॉर्ड्स भी हैं और लैंड लेस भी हैं इस आंदोलन में, दोनों का एक है, क्योंकि वो आपको बांटते हैं, अरे ये तो जाटों का आंदोलन है, अरे ये तो जमींदारों का आंदोलन है, तुम क्या करोगे जाके? नहीं, इस बहकावे में मत आना, ये सबकी आवाज है, ये हर उस पीड़ित शोषित की आवाज है, वो उन सबको उनका हक देंगे। यार देश जीत लो ना, सरकार कब्जाओ ना, EVM की सरकार को हटाओ ना, फिर हम बताएंगे ना देश कैसे चलेगा। फिर जो सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार आएगी तो वो बताएगी कि लोकतंत्र में लोगों का राज होगा, माफी मांगने वालों का भगोड़ों का राज नहीं होगा।
अगर ये जो लोग बैठे हैं, ये जो ईमानदार सच हक की आवाज है, एक हो जाएगी तो आपको लगता कोई बचेगा? पूरा देश तो यहाँ बैठा है, किसान यहाँ, जवान इनके साथ, विश्वविद्यालय के छात्र जो प्रताड़ित शोषित है वो इनके साथ है, तो बचा क्या भाई? 92% देश तो साथ आ गया ना आबादी, तो बचा क्या पीछे? तो वो सरकार, एक बात बताओ, चोर को क्यों डर है? क्योंकि चोर की चोरी पकड़ी जाएगी ना अगर ईवीएम हटेगी तो। ईवीएम में वो राजा है, उस राजे की जान जो है उस तोते में है, वो तोता ईवीएम है, उस तोते को मार दो तो राजा मर गया, राजा खत्म। तो ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाओ, संविधान बचाओ, कानून बचाओ, हम सबके हक बचाओ, हम सबकी थालियों में निवाला आएगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ लेना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने कहा कि इस देश का 90% जो वेल्थ है वो खाली 20 लोगों के पास है। वो कौन है? अडानी, अंबानी जैसे, बिरला, टाटा, ये सब। हम लोग तो बस धक्के खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब हमने ठान लिया पीछे नहीं हटेंगे, देखते हैं लोग क्या करते हैं। दिया है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलकर, वो लद्दाख में, वो भूटान के पास डोकलाम में गाँव में अपने वो जो नागरिक है उनको बसा रहा है, तो ये सब चाइना की मदद करने के लिए हो रहा है क्या? ये सारे हथियार जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल होने चाहिए थे, यहाँ ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये साउंड वेव्स वहाँ के लिए थी ना, वहाँ के लिए खरीदी गई थी, किसानों के लिए और हमारे लिए थोड़ी खरीदी गई थी। तो ये गद्दारी का सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है ये आरएसएस और बीजेपी। तो चोर अपनी चोरी कैसे छुपाएगा? मैं, हमारे वकील साहब भी आए हुए हैं किसान आंदोलन से और किसान आंदोलन के दूसरे नेता, उनसे भी आप पूछिए ना, ये बैठे हैं आने वाले और ये बैठे बुलाने वाले, तो ये बीच में कौन है? अगर ऐसी बात है तो हमारे पास अभी टाइम है, तो हम जाके लेके दिखाएंगे जी, हम जाएंगे अभी लेके करना कि वो इदां दा जिहड़ी कर रहे ने कार्रवाई, वो कार्रवाई रुकी होती है, तो वो उसके लिए हम वकीलों की एक टीम तैयार कर रहे हैं, हम लेके देंगे। देश में कानून का राज चलेगा, कोई किसी के घर का राज नहीं चलता यहाँ पे, कानून का राज। कुछ वकील पहुंचे थे, उन्होंने रिपोर्टा नहीं दी गई यहाँ राजपुरा हॉस्पिटल के बीच, अगर मुझे आज यह टाइम मिला, वरना हम एक बड़ी वकीलों की टीम तैयार करेंगे, अभी हम इसीलिए आए, हमारी बातचीत हो जाए तो हम बड़ी देश भर के बड़े बड़े वकीलों की टीम तैयार करके हम सब चीजें लेंगे और पूरी कानूनी मदद करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्रिमिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं ना खट्टर सरकार के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब। अभी हमने दूसरा कदम नहीं उठाया है इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भिजवाने का, वो कदम भी हम जल्दी उठवाने वाले। इसी से जनता को परेशानी है, किसानों से नहीं है, पुलिस के इस गैर कानूनी काम से, जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उससे जनता को परेशानी है। क्या आपको लगता है यहाँ साउंड वेव छोड़ते हैं कि यहाँ नागरिक आप आसपास जो रहते हैं वो आराम से सोते हैं? ये सरकार नागरिकों के विरोधी है, किसान तो सिर्फ नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमले कर। आज जो हमारे सीनियर वकील प्राचा जी आए हैं, डॉक्टर ऋचा जी, आशुतोष जी और बाबा राजा राज सिंह जी, जिन्होंने इस संघर्ष को पूरा सहयोग देने की बात की है, किसी भी तरह का जुर्म सरकार करती है तो हमारे साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी अभी भी समझ लेना चाहिए, ये देश की लड़ाई है, किसान मजदूर की, अकेले की लड़ाई नहीं। MSP हरेक का अधिकार है, अगर MSP होगी MRP भी होगी, MRP होगी तो खपतकार को अनाज जो सस्ता मिलेगा उसकी थाली में अनाज रहेगा। आप ये थाली अडानी अंबानी के गोदाम में रखवाना चाहते हैं और हमें पूरे 140 करोड़ भारतीयों को ये एहसास करा रहे हैं कि आप दो टाइम की रोटी को विकास समझ के जिए, ऐसे दिन आप लाने वाले हैं। हम कहते हैं जितनी देर हम जीवित हैं ऐसे दिन भारत के नहीं आने देंगे, क्योंकि ये भारत रूपी सुंदर फूलों का गुलदस्ता है, इसकी पंखड़ी पंखड़ी करने को लगे हुए हैं, हम कभी भी इसकी पंखड़ी पंखड़ी नहीं होने देंगे। और जो ये साथी आए हैं इनका हम जथेबंदियों की तरफ से पुरजोर शब्दों में धन्यवाद करते हैं और सभी युवाओं को अपील करते हैं कि आप शांतवना बना के रखना, क्योंकि जब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे पहले हम आगे होंगे, बाद में अगली रेल जो जूनियर आगुओं की होगी और बाद में हमारे यूथ आएंगे, क्योंकि यूथ हमने बचाना है। यूथ को ऐसे इन अपने जवानों से मरवाने के लिए नहीं हम आए, हमने देश भी बचाना है, हमारी MSP भी लेनी है और जो 10 निकाती प्रोग्राम दिया है इनको उसको भी लेकर जाना है और सभी को साथ लेकर ये करेंगे। हम सभी का, मीडिया कर्मी का,
इन जो हमारे साथियाँ हैं इनका सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को अपील है, आओ कल को दिल्ली की तरफ कूच करना है और शांतमय तरीके से कूच करना है। धन्यवाद। बोले सोनिहार।